स्टैटिक स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। और जहां पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर में हम लोग इम्पैक्ट पढ़े, और अभी बारी है नॉन इम्पैक्ट की, जिसमें पहला एग्जांपल हम क्या पढ़े थे, लेजर प्रिंटर के बारे में। और ये पढ़ा था कि यह एक ऐसा प्रिंटर है जो क्या करता है, जिसके अंदर क्या होती है, ड्राई इंक सूखी स्याही होती है, ठीक है, और ये प्लास्टिक की शीट वगैरह पे प्रिंटिंग कर सकते हैं। और जो इनकी छापने की गति होती है वो 300 से लेकर 600 डीपीआई होती है। डीपीआई का पूरा नाम होता है डॉट पर इंच होता है, ठीक है। अब अगला जो है इसके बाद थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर, क्या नाम है, तो नाम लिखे थे आप लोग एग्जांपल में, थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर डायग्राम जो बनाया था स्टार्टिंग में, तो एक बार हेडिंग बनाइए आप लोग, थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर। इस प्रिंटर की खासियत है, खासियत कहिए या कमी कहिए, बोले जो हेडिंग बनाइएगा और कुछ नहीं लिख रहा है, सुन लीजिए ध्यान से। इस प्रिंटर का ड्रॉबैक बोलिए, खासियत बोलिए, स्पेशलिटी बोलिए, जो भी बोलिए, थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जिसका लिखा हुआ मैटर ज्यादा टाइम तक टिकता नहीं है, यानी आफ्टर सम टाइम इट विल बी डिसअपीयर, यानी कुछ समय के बाद ये क्या हो जाता है, मतलब जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं वो अपने सीट से क्या होता है, गायब हो जाता है। आपने देखा होगा बस से टिकट लीजिए, जो सरकारी बसें होती है, ला के घर में रखी कॉपी में चाहे कहीं पे भी, 20 दिन 15 दिन बाद देखिएगा उस पे बिल्कुल ब्लैंक रहेगा, व्हाइट रहेगा, सब उड़ जाता है। या एटीएम से जो रिसिप्ट प्राप्त होता है, पैसे वाला रिसिप्ट वाला, उसको मिला के देखिए वो भी गायब हो जाएगा। यानी प्रिंटर की वही खासियत ही होती है कि, या ऑनलाइन जो चीजें आती है फ्लिपकार्ट वगैरह से, वो भी रखिए कुछ दिन तक उड़ जाएगा उससे, वो इंक ही ऐसा होता है। वो किससे प्रिंटिंग होती है, इसी प्रिंटर से होती है। यह प्रिंटर या कहा है, यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें कागज पर वैक्स आधारित रिबन अक्षर प्रिंट किया जा सकते हैं। इस प्रिंटर के द्वारा किया गया प्रिंट ज्यादा समय के लिए स्थित नहीं रहता है, अर्थात कुछ समय के बाद प्रिंट किया गया मैटर क्या होता है, पेपर से मिट जाता है। सामान्यतः इसका इस्तेमाल आप एटीएम मशीन पे देख सकते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम पे देख सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने बस टिकट भी दे दिया, या ऑनलाइन जो आप फ्लिपकार्ट वगैरह से मंगाते हैं वहां पे भी, या मॉल में वगैरह जो रिसिप्ट मिलती है उस पर भी, उसका मैटर ज्यादातर टिकता नहीं है, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, गायब हो जाता है। बेनिफिट के लिए नहीं यूज कर रहे ना, उसका वही कॉन्सेप्ट है, और इसकी थोड़ी सी लागत कम आती है इसकी वजह से, और इसका ही खासियत है, इसी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जरूरी नहीं हर चीज हम लंबे समय तक रखें उसको, चीजें रखें, जैसे किसी चीज को, जैसे प्लास्टिक आप यूज करते हैं फिर इसको लोग खरीद रहे हैं, क्या हो जाता है, रीयूटिलाइज किया जाता है, वैसे इन पेपरों को भी किया जाता है। पेपर भी तो आप लोग बेचते हैं, लेकिन पेपरों को रीयूटिलाइज किया जाता है, अगर वो चीजें डार्क रहती हैं तो कलर चेंज करना पड़ता है ना, तो कलर भी नहीं चेंज करना पड़ेगा उसको, फिर दोबारा यूज कर पाएंगे। जैसे आजकल एक बोर्ड आ रहा है आप देखिएगा, तो पानी भर के इंक यूज कर सकते हैं आप, कुछ भी लिख दे रहे हैं फिर बाद में मिट भी जा रहा है, तो क्या कर रहे हैं आप, उसी बोर्ड को लगातार यूज कर रहे हैं अपनी स्टडी लाइफ में कंटिन्यू। या आपने देखा होगा बोर्ड लगाते हैं, व्हाइट बोर्ड, और मार्कर से लिखते हैं फिर मिटा देते हैं, क्यों, ताकि फिर उस बोर्ड का यूज कर पाए, तो वैसे ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये चाहे जो भी चीजें पे इसका इस्तेमाल हो रहा उसको रीयूज किया जा सके, ठीक है। तो सिर्फ इतना लिखना है एक लाइन कि थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर होता है जिसका लिखा हुआ मैटर ज्यादा टाइम तक टिकता नहीं है, और कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, वो पेपर से मिट जाता है, बस यही लाइन लिखनी है, लिख लीजिए सब। अगला है इंकजेट प्रिंटर, ठीक है, जो कलरफुल वगैरह प्रिंटर जो आते हैं, यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें नोजल, नोजल का मतलब टेस्ट ट्यूब समझ सकते हैं, जो प्रैक्टिकल लैब केमिस्ट्री लैब में आप यूज करते होंगे कुछ वैसा ही नोजल होता है। नोजल से कागज पर स्याही की बूंदों की बौछार करके कैरेक्टर छापा जाता है, यानी कि डॉट से कैरेक्टर बनते हैं यहाँ पे। अच्छा कह रहा है कि जिसमें ग्राफिक्स प्रिंट किए जा सकते हैं, इस प्रिंटर का आउटपुट बहुत अस्पष्ट होता है, कारण क्या होता है कि जो कैरेक्टर के निर्माण होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, कई सारे डॉट्स से होते हैं, मैंने कहा था ना एक डॉट से आप कैरेक्टर को डिजाइन नहीं कर सकते। कर रहे हैं रंगीन इंकजेट प्रिंटर में स्याही के चार नोजल होते हैं, और कौन कौन सा कलर कलर होता है उसमें, नीला, लाल, पीला, काला, इसे बोलते हैं CMYK, कौन सा कलर बोलते हैं इसको, CMYK
CMY के चलो बोलते हैं, रिटर्न में यही चार कलर पड़ते हैं CMY के। सी फॉर होता है सियार, एम फॉर होता है मैग्नेटा, मैग्नेटा वाई फॉर होता है येलो, और के फॉर होता है की। यह मैग्नेटा किस कलर को बिलोंग करता है? ऑरेंज या रेड से कह सकते हैं। सियान बिलोंग करता है ब्लू से, की बिलोंग करता है ब्लैक से, और येलो भी समझ ही रहे होंगे, येलो से येलो से लिख सकते हैं। ये हमारे यही चार कलर होते हैं प्रिंटर में। प्रिंटर में कितने कलर होते हैं मैम? सिर्फ चार। कौन कौन से? सी एम आई के। सी फॉर सियान, सियान का मतलब क्या होता है? ब्लू। एम फॉर मैग्नेटा, ऐसे समझिए पहले कोल्डिंग आता था मिरिंडा, ऑरेंज कलर में होता था ना, उसी से याद है मैग्नेटा मिरिंडा से। और येलो तो आसानी है, वाई फॉर येलो होता है, के फॉर की ब्लैक। ठीक है हो गया। चलिए तो चार वही होते हैं प्रिंटर कहा जाता है, CMYK के प्रिंटर भी कहा जाता है। ये चार रंगों से मिलकर किसी भी नए रंग को क्या कर सकते हैं? उत्पन्न कर सकते हैं, इसीलिए इनका प्रयोग सभी प्रकार के रंग के प्रिंटरों में किया जाता है। इसी CMYK के चार कलर का इस्तेमाल किया जाता है, और इस चारों कलर आपस में मिलकर क्या करते हैं? नए कलर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे ऑरेंज को मैंने कहा था, ऑरेंज डार्क होता है, थोड़ा रेड भी पता जैसे लगता है रेड भी, तो रेड और मान लो येलो को मिला दिया जाए तो ऑरेंज बन जाएगा वैसे, या ब्लैक और रेड को मिला दिया जाए तो ब्राउन बन जाएगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसे हैं कि कलर फॉर्मेशन होती रहती है। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं, इंकजेट के बाद आराम से भाई। ऑल-इन-वन प्रिंटर एक होता है, एक ऐसे प्रिंटर है जो किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं, उन्हें प्रिंट भी सकते हैं। जैसे लोगों के दिमाग में आजकल एक डाउट रह रहा है कि सर प्रिंटर में तो स्कैनर रह रहा था, कैसे आउटपुट हो गया इनपुट हो गया, एक काफी डाउट रह रहा है उनके दिमाग। याद रखिएगा कि आजकल प्रिंटर के साथ ही स्कैनर दे रहा है, लेकिन स्कैनर का काम अलग है और प्रिंटर का काम अलग है। स्कैनर का काम है हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना, और प्रिंटर का काम है सॉफ्ट को हार्ड में चेंज करता है, यानी वो हमें रिजल्ट दे रहा है प्रिंटर, और स्कैनर क्या करता है? सिर्फ इनपुट देने का। कई लोगों के दिमाग में ऐसा रह रहा है कि सर प्रिंटर में ही स्कैनर आ रहा है, तो सही बात है क्योंकि अलग अलग कॉस्ट कोई भी नहीं चाहेगा। आजकल लोग पढ़ाई जॉब भी करते हैं, तो कोई भी जॉब पे अगर आपको रख रहा है तो चाहता है कि हम अगर एक बच्चे को कंप्यूटर सेक्टर में रख रहे हैं, आईटी सेक्टर में, तो वो बच्चा सारा काम करे। अभी नहीं ना कि हम अकाउंटिंग के लिए अलग रखेंगे, एक्सेल के लिए अलग रखेंगे, वर्ड के लिए अलग रखेंगे, नहीं। चाहे कोई भी कि हमारे वहाँ जो आदमी काम करे वो मल्टी फंक्शनल हो, मल्टी फंक्शनल मतलब मेरे जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड सारे काम है वो सारा करे। ठीक है, इतना थोड़ी है किसी के पास पैसे, कोई भी पैसे बेवजह खर्च नहीं करना चाहता। नहीं, कोई भी पैसे बेवजह नहीं खर्च करना चाहता, वो चाहता है कि हम अगर किसी को पैसे दे रहे हैं भाई हम इसी को अच्छा दे, 10 की जगह 12 14 दे, लेकिन सारा काम मेरा यही हैंडल कर ले। समझ रहे ना बात को? तो ये मल्टी फंक्शन प्रिंटर का काम यही होता है। ठीक है, एक और आउटपुट डिवाइस होता है, एग्जाम्पल में प्लॉटर लिख लीजिएगा। प्लॉटर, प्लॉटर कैसा होता है? ये भी प्रिंटर जैसे ही होता है, यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ प्लॉटर के बारे में, इमेज देख लीजिए। प्लॉटर ये बार बार पूछा गया, प्लॉटर प्रिंटर ही है वो, देख रहे ना ऐसा होता है। नहीं, पोस्टर वगैरह छापे जाते हैं कुछ वैसा होता है, देख लीजिए यही होता है प्लॉटर प्रिंटर। ये भी प्रिंटर ही है, प्रिंटर ही बड़ा भी होते हैं, देखो देख रहे बड़े बड़े भी होते हैं, तो ये भी प्रिंटर ही होता है।
प्लॉटर भी क्या होता है, एक प्रिंटर ही होता है, तो जब प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है तो प्लॉटर भी क्या होगा, आउटपुट सॉरी इनपुट बोला हूँ क्या मैं, आउटपुट डिवाइस है प्लॉट प्रिंटर, तो प्लॉटर भी क्या होगा, आउटपुट डिवाइस, लिख लीजिएगा प्लॉटर या ब्रैकेट में लिखिएगा प्लॉटर, प्रिंटर भी बोलते हैं, और ये भी क्या है, और इन्हीं को मल्टी फंक्शनल भी बोला गया है प्लॉटर को ही। देख रहे हैं ना, इसमें चार्ट शीट बड़े बड़े होते हैं, चार्ट शीट मतलब कि नहीं होता है कि कभी कभी, जैसे आपने पता नहीं देखा कि नहीं, हाई स्कूल सीबीएसई बोर्ड का मार्कशीट देखिएगा इतना बड़ा होता है, उसको तो प्रिंट करने के लिए छोटे प्रिंटर से नहीं होगा, देखते हैं ना कचहरियों में बड़े बड़े प्रिंटर रखे होते हैं, वहां जाके उसकी प्रिंटिंग होती है। जैसे मेरा ही मार्कशीट है सीबीएसई बोर्ड का रहा हूँ मैं, इस प्रिंट तो मुझे प्रिंट कराना होता है तो दो बार में मोड़ के प्रिंट कराना पड़ता है आगे पीछे, क्योंकि इधर बड़े प्रिंटर है ही नहीं, और जहाँ बड़े प्रिंटर होंगे वहाँ एक बार में निकल जाएगा, इतना बड़ा सा शीट निकलेगा, तो कई फोटो कापी भी लगाएंगे जितना बड़ा कागज लगाना पड़े, समझ रहे हैं ये सारी चीजें। तो प्लॉटर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है, इस तरह से आपका इनपुट खत्म हो गया और आउटपुट। अभी अगर कोई डाउट है तो बोल लीजिए, आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ, प्रैक्टिकल में क्या है फोल्डर बनाना सीखेंगे, क्या बनाना सीखेंगे, फोल्डर बनाना, अच्छा दो तरीके से फोल्डर बनाना सीखेंगे, एक शॉर्टकट की के द्वारा और एक स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो पहले हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और कई सारे तरीके मैं बताऊंगा, बहुत ध्यान से आप देखना है सिर्फ, ठीक है, उसके बाद से जो लगेगा लिखने वाला लिखेगा। जो फोल्डर बनाने के लिए बहुत आसान सा काम है, पहली बात तो जब भी सिस्टम आप ऑन किया करिए तो यहाँ का सिस्टम होना ही समझिए, कि सिस्टम ऑन करते वक्त सबसे पहले हम सिस्टम को रिफ्रेश किया करें या बंद करते टाइम भी रिफ्रेश करें, ये आदत अगर अपने साथ रहेगी तो आप अपने सिस्टम के साथ भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा माउस में दो बटन होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट, तो राइट बटन का इस्तेमाल किया जाता है ऑप्शंस लाने के लिए और लेफ्ट बटन का इस्तेमाल किया जाता है उस चीज को क्लिक ओके करने के लिए। तो जब भी आपसे मैंने बोला था कि जब भी आपसे कोई बोलेगा राइट क्लिक करिए, तो ये तो हिंट हो गया कि राइट क्लिक करने का मतलब राइट बटन दबाना माउस का, लेकिन जब भी आपसे कोई बोले क्लिक करिए तो क्लिक करना मतलब माउस का लेफ्ट बटन, क्योंकि कोई लेफ्ट क्लिक नहीं बोलता है, सिर्फ क्लिक बोलता है, तो आपको बोलना होगा, समझना होगा कि कब क्लिक करना है और कब राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक तो आसान है, कोई भी हिंदी दे दिया है राइट क्लिक करिए यानी राइट बटन दबाइए, और राइट बटन लेफ्ट बटन वाली बात किसमें होती है, कीबोर्ड या माउस, माउस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलेगा न्यू का, यहीं से रिफ्रेश भी हो जाएगा, उसको छोड़िए अभी, यहाँ ही एक ऑप्शन मिलेगा क्या न्यू का, तो कई बार होता है कि जब लोग यहाँ तक जाते हैं तब तक गायब हो जाता है, तो ऐसे मूवमेंट में एक बार क्लिक कर देंगे तो भी ये रहेगा, देखिए कहीं भी पॉइंटर ले जाइए गायब नहीं होगा, लेकिन वही राइट क्लिक करके न्यू पे गए और जब बाहर जाते हैं तो गायब हो जाएगा, गायब हो गया ना, लेकिन एक बार अगर वही न्यू पे हम एक बार क्लिक कर दें तो कहीं भी जाइए ये ऐसे ही जो आइकन पॉपअप बना हुआ है वैसे बना रहेगा, ठीक है। राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और कहाँ जाना है, फोल्डर पे जाना है, जैसे फोल्डर जाएंगे यहाँ एक फोल्डर आ जाएगा, देख सकते हैं आप लोग ये रहा आ गया है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ फोल्डर आ गया है, अब इसको अपने आप नाम दे दिया न्यू फोल्डर, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं अपने नाम से सेव करूँ, तो मैंने यहाँ लिख दिया कैप्स लगानी है SRV, SRV लिखा मैंने और इंटर मार दिया, देखिए फोल्डर बन गया, आसान है कि नहीं आसान है, फोल्डर बन गया। अच्छा अगर इस फोल्डर को मैं डिलीट कर दूँ तो आजकल फोन में भी रिसाइकल बिन आने लगा है, तो सिस्टम में भी पहले से था, रिसाइकल बिन देने का पर्पज क्या है, पर्पज ये है कि अगर आप कोई चीजें आपसे अनफॉर्चुनेटली डिलीट हो जाती हैं तो आप उसे दोबारा से रिस्टोर कर पाए, इसलिए सिस्टम में एक ऑप्शन देता है रिसाइकल बिन का, और जो भी डिलीट किया गया मैटर होता है डिलीट करने के बाद भी कहीं ना कहीं स्टोरेज बना के रख रहा है वो कहाँ, रिसाइकल बिन में, ताकि आप उसको दोबारा रिस्टोर कर सकें। तो पहली चीज तो हम लोग नॉर्मल ही कोई फाइल डिलीट करते हैं, परमानेंट डिलीट करना नहीं पता है अभी हम लोग को, तो सब सीखेंगे आज की क्लास में। तो जैसे मैंने इस SRV को मैंने डिलीट कर दिया, राइट दो तरीका डिलीट करने का, या तो कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा दें या तो राइट क्लिक करें और डिलीट कर दें, बस डिलीट हो गया, कुछ भी यस नो नहीं पूछा है, और ये चीज डिलीट की हुई चीज कहाँ जाएंगी, रिसाइकल बिन में, कहीं रिसाइकल बिन दिख रहा है आप लोगों को, ये रहा देखिए यहाँ SRV नाम का फोल्डर आया है, इसीलिए क्योंकि कोई चीज अगर गलती से भी डिलीट हुई होंगी तो आप उसको वापस रिस्टोर कर सकते, टाइमिंग बताएगा सब कुछ 19 मार्च 7:35 AM पे, ठीक है। और हम अगर चाहते हैं अगर यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट कर दें तो अब हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा, लेकिन एक ऑप्शन है पहला रिस्टोर, रिस्टोर करने से क्या होगा, ये फोल्डर बिल्कुल वहीं चला जाएगा जहाँ से इसको डिलीट किया गया था, देखिए मैं जैसे रिस्टोर पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ से हट गया वो वाला, और
अब देखिए कहाँ आया है, वापस ये रहा। लेकिन अगर इस फोल्डर को मैं जानबूझ के डिलीट कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि वेस्टेज है, इसका कोई जरूरत ही नहीं है, तो हम इस फोल्डर को डिलीट ना करके परमानेंट डिलीट करें। आई रिपीट कि अगर आप जानबूझ के किसी फोल्डर को डिलीट कर रहे हैं तो उसको डिलीट ना करके परमानेंट डिलीट करें। परमानेंट डिलीट करने से क्या होगा कि ये फोल्डर डिलीट भी हो जाएगा और रिसाइकल बिन में भी नहीं जाएगा। लेकिन जब श्योर होइए कि हाँ भविष्य में इसकी जरूरत नहीं होगी, डाउट हो तो सिर्फ केवल डिलीट करिए। तो क्या करेंगे, परमानेंट डिलीट करने का कोई ऑप्शन नहीं, शॉर्टकट की होती है, शिफ्ट बटन के साथ डिलीट बटन दबाना होता है, और शिफ्ट प्लस डिलीट शॉर्टकट की है परमानेंट डिलीट करने की। लिख लीजिएगा, परमानेंट डिलीट करने की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट। अभी सामने देख सकते हैं आप लोग, मैंने इस फोल्डर को सिलेक्ट किया, देख लिए सामने फोल्डर को सिलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबा दिया। और देखिए अब इस बार पूछ रहा है, इसके पहले मैसेज नहीं आता है सब, लेकिन आज पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंट डिलीट दिस फोल्डर या ऑफ कोर्स प्रिंटर। अभी चेक करते हैं अपना रिसाइकल बिन, क्या यहाँ SRB नाम का कोई फोल्डर आया है, नहीं आया। तो अगर नॉर्मल में भी डिलीट करना है तो डिलीट करिए, लेकिन अगर चाहते भाई कहीं ना कहीं मान लो डिलीट कर भी दिए, डिलीट आदमी क्यों करता है फोल्डर, सोचता है फालतू का है डिलीट कर दिया है, डिलीट करता है इसी यही सोच के डिलीट करता है ना, उसके बाद भी कहीं ना कहीं स्टोरेज ले रहा है आपके सिस्टम से, क्या फायदा डिलीट करने का। तो अगर लग रहा है कि वेस्टेज चीजें हैं, जरूरत नहीं है इसकी फ्यूचर में, तो आप इसको परमानेंट डिलीट करिए, ताकि रिसाइकल बिन में दो बार डिलीट करना पड़ेगा, एक बार वहां से डिलीट करिए, फिर रिसाइकल बिन में आइए, फिर यहाँ से डिलीट करिए। क्यों, समझ रहे बात को ना, इन बातों का ध्यान रख रहे हैं। डिलीट कर लेंगे, फोल्डर बनाना बहुत आसान है, क्या तरीका बताया हूँ, राइट क्लिक न्यू और फोल्डर और लिख देना है यस, मतलब जिस नाम से आपको लिखना है, मैंने लिख के इंटर मार दिया, बन गया कि नहीं बन गया। परमानेंट डिलीट करेंगे शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस डिलीट और इंटर, डिलीट हो गया। दूसरा तरीका है शॉर्टकट की फोल्डर बनाने का, क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, देखिए आ गया बन गया। और बस या तो मैं फोल्डर का नाम लिख लूं या बैक स्पेस दबाने के बाद फोल्डर का नाम लिखूं, कोई दिक्कत नहीं है, इंटर मार दिया बन गया फोल्डर। शॉर्टकट लिखेगा न्यू फोल्डर का, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, हो गया फोल्डर बन जा रहा है ना। तो ऐसे फोल्डर आपको आज की क्लास में बनाने हैं। अच्छा दो चीजें और भी हैं, सुनिए ध्यान से, फोल्डर वाली चीजें और भी हैं, क्या कि जैसे हम SRB के नाम से बना दे रहे हैं, GIT के नाम से बन जाएगा, वैसे ही कुछ नाम के ऐसे भी फोल्डर होते हैं जो बनते नहीं है। जैसे देखिएगा ध्यान से, मैंने इसको फिर से परमानेंट डिलीट कर दिया, फोल्डर आया कंट्रोल शिफ्ट एन, फोल्डर आ गया कंट्रोल शिफ्ट एन, आ गया फोल्डर, और हमने इसमें फोल्डर का नाम लिख दिया AUX। किस नाम से फोल्डर बना रहा है इस बार, तो इससे पहले मैंने SRB लिख के इंटर मार रहे थे तो फोल्डर बन जा रहा था ना, लेकिन इस बार AUX लिखे हैं और इंटर मार रहे हैं। देखिएगा क्या बोल रहा है, कह रहा है द स्पेसिफाइड डिवाइस नेम इज इनवैलिड, जो आप नाम दे रहे हैं वो इनवैलिड है। ये क्या मतलब भाई, किसी भी नाम से फोल्डर बनना चाहिए, ABCD कुछ भी, बन क्यों नहीं रहा है? नहीं हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तब तो लिखेगा ऑलरेडी एग्जिस्ट, पढ़ना है इंग्लिश पढ़ना है, पढ़ने से सब पता चलेगा। क्या बोला है, जो स्पेसिफाइड डिवाइस नेम आप दे रहे हैं वो इनवैलिड है, नहीं बन पाएगा, लेकिन बनाना तो है कैसे भी। तो करना क्या होगा ऐसे कंडीशन में, अगर कोई फोल्डर किसी नाम से बनाने नहीं दे रहा है, सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा है, तो हम उससे एक परमिशन लेंगे। जैसे नॉर्मल आप लोग मॉल वगैरह में जाते हो तो आपका बैग और हेलमेट सबमिट करा दिया जाता है और आपको एक टोकन पकड़ा दिया जाता है। टोकन से होता क्या है, आप जाके दिन भर शॉपिंग जो भी शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करना होता है करते हैं, फिर रिटर्न आते हैं तो टोकन देके अपनी चीजें वापस लेते हैं, वैसे ही हमें इससे परमिशन लेना होता है। जैसे घर पे नहीं होता है, मम्मी पापा पापा डिसाइड करते हैं कि शाम को सब्जी क्या बनेगी, तो वैसे यहाँ पे भी कि कौन सा फोल्डर बनेगा क्या बनेगा सब सिस्टम डिसाइड। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, ओके करेंगे, फिर जो लिखा हुआ है जो भी मैटर लिखा हुआ है इसको बैक स्पेस से क्या कर देंगे। अभी बिल्कुल खाली हो गया फोल्डर, मतलब नाम कोई नहीं है, और इसी व्हाइट सेक्शन में, यानी व्हाइट वाला जो एरिया है सफेद वाला,
इसी में आपको राइट क्लिक करना है। क्या क्लिक करना है? बाहर नहीं क्लिक करना है, उसी सफेद वाले इलाके में। और यहाँ से नीचे से थर्ड ऑप्शन होगा इंसर्ट यूनिकोड, या यू कह दे तो एक ही ऑप्शन हाईलाइट हो गए। आया? इतने सारे कोड हैं, इतने सारे कोड, कोई भी एक कोड सेलेक्ट करिए और अब लिखिए A U X और इंटर। बन गया। तो कुछ नाम के फोल्डर ऐसे भी होते हैं जो बन नहीं पाते हैं, लेकिन अगर हमें बनाना चाहें तो बना सकते हैं। स्टेप बताइएगा इस बार आप लोग। अरे भाई सिस्टम अलाउ नहीं करता, इसलिए तो उससे परमिशन लिया जा रहा है। वही बात मेरा ही क्वेश्चन, मुझे भी नहीं उसकी, उसको कोडेड ड्राइवर है ना। इस क्या लिखा था मैसेज? क्या पढ़ी है मैसेज? क्या लिखा था? स्पेसिफाई नेम जो था इनवैलिड था, उसके लिए वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो उसके लिए क्या किया हमने? उससे परमिशन ले लिया। आपको किसी की चीज लेनी है तो क्या करते हैं? आप पूछ ही लेते हैं ना, तो बिना पूछे। तो जब नहीं हो पाया है तो क्या कर रहे हैं? हम उससे परमिशन लिए कि भाई हमको इस नाम से जरूरी है बनाना है। तो फिर उसने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, समझ गए। अब स्टेप आप लोग फिर से बताइएगा क्या करना है। सबसे पहले राइट क्लिक, क्या बनाना है? एक फोल्डर बनाना है, किस नाम से? AUX के नाम से। मैंने लिखा है AUX, इंटर किया, बन रहा है? नहीं बन रहा है। क्या करेंगे सबसे पहले? पहले इसको मिटा देंगे जो भी है। उसके बाद कहाँ राइट क्लिक करेंगे? सरफेस वाले एरिया में। बाहर नहीं क्लिक करिए, बाहर क्लिक करेंगे फिर न्यू फोल्डर हो जाएगा, समझ रहे ना? तो याद रखिएगा इस सफेद वाले इलाके में क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे, किस ऑप्शन में जाना है? इंसर्ट यूनिक कोड, एक कोड लेना है आपसे। कोई भी एक कोड सिलेक्ट कर लीजिए, कोई भी, और क्या लिख दीजिए? AUX और इंटर। ठीक है, बन आसान है। तो आपको नोट कर लीजिएगा स्टेप, इसको नोट कर लीजिएगा स्टेप को, कि कुछ फोल्डर नेम ऐसे भी होते हैं जो सिस्टम अलाउ नहीं करता है। उसके लिए क्या करना होता है हमें? उससे कोड लेना होता है। क्या लेना होता है? कोड लेना होता है। लिखिएगा कुछ फोल्डर नेम ऐसे भी होते हैं जिसको सिस्टम अलाउ नहीं करता है, फिर भी अगर हमें बनाना हो तो सिस्टम से क्या लेना होता है? कोड लेना होता है। हो गया, हो गया स्टेप। क्या करना है? राइट क्लिक करना है, व्हाइट वाले पोर्शन में ही बात जरूर लिखिएगा, क्योंकि कई बार लोग साइड में क्लिक करते हैं। अच्छा एक और चीज लिख लीजिए कि किसी फोल्डर को रिनेम करना है तो उसकी शॉर्टकट ये होती है F2। फोल्डर को या किसी फाइल को रिनेम करने की, रिनेम का मतलब दोबारा उसका नाम लिखना है, तो उसकी शॉर्टकट ये होती है F2। तो आपको टास्क क्या है? आपको फोल्डर, नॉर्मल फोल्डर पहले बनाइएगा अपने अपने नाम से, ठीक है? फिर फोल्डर बनाना है आपको किस नाम से? AUX के नाम से, और एक और बनाइएगा CON के नाम से, क्योंकि CON नाम से भी बनाने नहीं देगा वो, यही सब परमिशन लेना पड़ेगा। दो फोल्डर आप लोग बनाएंगे AUX CON के नाम से, तो ये हो गया। अब प्लस आप लोग नॉर्मल फोल्डर बना के डिलीट करके देख लीजिएगा। अच्छा जो फोन में रिसाइकल बिन में दिया है उसमें और इस रिसाइकल बिन में अंतर है। अंतर क्या है कि फोन में जो दिया है उसमें एक कंडीशन भी है कि उसमें सिर्फ 30 दिन तक ही डाटा स्टोर होगा, एंड आफ्टर 30 डेज डाटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा उससे। लेकिन इस रिसाइकल बिन में क्या है, इतनों दिन है उतने दिन तक पड़ा रहेगा। तो चाहे ईमेल आईडी की रिसाइकल बिन हुई है, फोन की हुई है, और चीजों की, इनमें रिसाइकल बिन में और सिस्टम की रिसाइकल बिन में यही डिफरेंस है। इसमें परमानेंट पड़ा रहेगा जब तक आप यहाँ से डिलीट ना करें, लेकिन बाकी में रिसाइकल बिन में 30 दिन होते ही उसको लग जाएगा कि लग रहा है इसकी यूज की चीजें नहीं है, इसीलिए बेफिक्र है, तो आप स्वतः डिलीट कर देता है। समझ गए ना बात को? हाँ
इन बातों का ध्यान रखिए। तो आज की क्लास, हाँ F2। अच्छा याद रखिएगा, इस कीबोर्ड में सिस्टम है ना, ये पीसी है ना, यहाँ तो F2 प्रेस करके तो काम बन जाएगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ F2 से रिनेम हो जाएगा, लेकिन कीबोर्ड की अगर बात करेंगे ना तो FN के साथ दबाना होगा। क्या हुआ, नया एडमिशन है क्या? बैठा दो, बैठ जाओ, इतना लेट क्यों है? तो क्लास में अटेंड कर पाएंगे? ठीक है, समझेगा ना बात को आप लोग। तो उसमें क्या होता है, लैपटॉप वगैरह में कोई फंक्शन की तभी काम करता है जब आप एफएन बटन के साथ दबाते हैं। सुन लीजिए ध्यान से, सिस्टम में फंक्शन की F1 F2 कुछ भी दवाई काम करेगा, लेकिन लैपटॉप में एफएन के साथ दबाना होता है। लिखना है तो लिख लीजिए इस बात को, या दिमाग में रख लीजिए कि लैपटॉप में कोई भी फंक्शन की एफएन के साथ काम करता है। एफएन बटन दिया जाता है ना विंडो बटन के बगल में, अब आजकल कीबोर्ड में भी दे रहा है बटन, पहले सिर्फ लैपटॉप में दे रहा था। ये याद रखिएगा, देख लीजिएगा कि फंक्शन लैपटॉप में फंक्शन की एफएन के साथ प्रेस करने होते हैं, दबाने होते हैं, तभी काम करते। फंक्शन की कितने होते हैं? 12 होते हैं। समझ रहे ना, दिमाग में रखिएगा इन सब बातों को। दिक्कत फंक्शन की, अच्छा मैंने बोला कि लैपटॉप में फंक्शन की तभी काम करेंगे जब आप उसको एफएन के साथ दबाएंगे, ठीक है? F2, F2 फंक्शन की जो होता है, F1 F2, F2 की बात क्यों, F2 से क्या होता है, किसी भी फाइल या फोल्डर को रिनेम कर पाए। जैसे देखिए, किसी AUX को रिनेम करना है ना, तो हमने क्या दबा दिया, F2 दबा दिया, देखिए रिनेम हो गया, मिटाइए जो भी लिखना हो, मतलब SRV SRV। तो एक टास्क और है, किस किस नाम से फोल्डर बनाना है, पहले नॉर्मल फोल्डर बना के क्लिक करके चेक कर लीजिएगा। दूसरा टास्क ये है कि AUXTUN के नाम से बनाना है, और तीसरा टास्क ये है कि बिना नाम का भी फोल्डर बनाना, बिना नाम के, लेकिन किसी ने पूछा नहीं है लैब वालों, क्योंकि वो सब वही में बना बता देंगे, मुझे पता है अलग से इमेज बनाने के लिए, लेकिन डॉट भी नहीं लेना है, कुछ भी नाम ही नहीं होना चाहिए, पता है मुझे, ठीक है, बिना नाम का होगा फोल्डर, और अपना दिमाग लगाइएगा, मुझे पता है लैब वालों को कोई बता देगा, किसी ने पूछेगा मत, झूठी तारीफ करने का क्या मतलब, अपना दिमाग लगाइए, नहीं पाया अगली क्लास में बताऊंगा, लेकिन खुद से बनाना है, मैं चेक कर लूंगा। बिना नाम का फोल्डर बनाना है, बिना किसी से पूछे करिएगा, नहीं हो पाएगा तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगली क्लास में मैं बताऊंगा, लेकिन टास्क है यार। और कल से स्टार्ट कर रहा हूँ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, एक साइड से नोट पैड स्टार्ट हो जाएगा, दूसरी साइड से ऑपरेटिंग सिस्टम, और प्रैक्टिकल टर्म स्टार्ट हो गया, ठीक है, दो सब होगा बहुत, पता है मुझे, अभी थोड़ा सा पेशेंस से स्टार्टिंग है, तुम पढ़ लियो इसीलिए थोड़ा सा। नहीं, तुमको मौका दे दीजिए पढ़ाने के लिए, तुम डायरेक्टली यही पढ़ाओगे यहीं से, यार कैसे दो वो फोल्डर बनाते हैं एकदम। चलिए, इतना समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना आज के टॉपिक में, और प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए हैं, थोड़ा सा मन लगाइए आप लोग, सबसे बढ़िया चीज़ है आप लोगों की क्लास की टाइमिंग बड़ी